सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। आज का टॉपिक है सत्संग मन का साबुन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब हम इस संसार में अपना कोई भी काम करते हैं तो संसार का जो प्रभाव है हमारे मन पे पड़ता है। जब इस मायावी दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, तो ये जो माया की चकाचौंध है, माया का जो आकर्षण है, ये मन को मोह लेता है। माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है, पक्की बात समझ ले मेरी यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया घर तो प्रीत बढ़ाएगा, जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है, बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मतवाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है, हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो सुख वह सारे पा लेता है, अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। तो ये जो रंग बिरंगी माया है ये मन को भरमा देती है, इंसान भ्रम भुलेखे में पड़ जाता है, मन के ऊपर कालिख जम जाती है, कालिख लग जाती है। तो संत महात्माओं ने सत्संग की महिमा बताया कि सत्संग करना क्यों जरूरी है, सत्संग करना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सत्संग करने से ही ये जो मन की कालिख है वो दूर होती है। सत्संग मन का साबुन है। हमारे शरीर में जब गंदगी होती है, जब हम कहीं जाते हैं, हमारे शरीर में पसीना आता है, पसीने की बदबू आती है, तो हम साबुन और शैम्पू से नहाते हैं, और अगर हमारे कपड़े गंदे हो गए तो उसको भी हम निरमा पाउडर से साफ करते हैं। लेकिन जब हमारा मन गंदा हो गया, जब मन गंदा हो जाता है तो मन की गंदगी सत्संग रूपी साबुन से ही जाती है, सत्संग करने से ही जाती है, सत्संग गंगा में नहाने से ही जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा करना पड़ता है। संत महात्माओं ने हमें समझाया कि मन को चंगा करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मलता पावनता जब ये मन में आएगी तब जाकर मन मंदिर बन पाएगा। तो ये मन मंदिर तब बनता है जब मन में हरि परमात्मा निराकार का वासा होता है। तो निराकार का वासा कैसे होगा मन में, ये भी एक बात है। तो निराकार प्रभु की जब याद आएगी, जब निराकार का हम सिमरन करेंगे, निरंतर सत्संग सेवा सिमरन करते रहेंगे, तभी निराकार हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, मन तरोताजा रहेगा। और अगर मन सुंदर बन गया, मन में ताजगी आ गई, तो फिर हमारा शरीर में फुर्ती आती है, क्योंकि हमारे शरीर का सारा कंट्रोल जो होता है ये हमारे माइंड के पास होता है। हमारा जो मन है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसी सोच विचार होती है, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही करता है। तो अब एग्जांपल हम लें कि एक कोई भी बस है, तो बस का एक ड्राइवर होता है, तो बस में तो बहुत सारे यात्री बैठे रहते हैं, बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, तो बस की जो सवारियां हैं
वो तो बस में बैठ गई, लेकिन बस का जो ड्राइवर है वो कैसी ड्राइविंग कर रहा है? वो स्लो ड्राइविंग कर रहा है, फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, या बस को आड़ा टेढ़ा चला रहा है, या कहीं खाई में गिरा रहा है, खड्डे में गिरा रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, पूरा जो दारो मदार होता है वो ड्राइवर के हाथ में होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो मन है वो एक ड्राइवर की तरह है। अगर इस मन को हम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे, प्रॉपर ढंग से गाइड नहीं करेंगे ना, तो मन फिर हमें खाई में डाल देगा, खड्डे में डाल देगा। और मन को घोड़ा भी कहा गया है। अगर कोई घोड़ा बेलगाम हो गया तो फिर क्या होगा? फिर घोड़ा अगर कंट्रोल के बाहर हो गया तो कहीं भी जाके उठा के पटक देता है। हमने देखा है घुड़सवारी जो करते हैं, अगर घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठा है और अगर लगाम सही ढंग से नहीं लग पाई, घोड़ा बेलगाम हो गया, तो कहीं भी जाके उठा के पटक देता है। इसी प्रकार ये मन भी एक घोड़े की तरह है कि अगर मन में कोई लगाम नहीं लगाते हैं, ये मन रूपी घोड़ा बेलगाम हो गया, तो हमें भी उठा के पटकेगा, हमें भी खाई में खड्डे में गिरा देगा। तो इसी प्रकार ये जो मन रूपी ड्राइवर है, ये मन रूपी घोड़ा है, तो इसको प्रॉपर दिशा देना बहुत जरूरी है, राइट डायरेक्शन में चलाना बहुत जरूरी है। तो मन को लगाम लगती है जब हम सत्संग में आते हैं, जब सत्संग करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, सत्संग करते 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 मन को हम ज्ञान की रस्सी के साथ में बांध देते हैं। फिर महात्मा एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक बंदर, अगर उसको हम रस्सी से बांध देते हैं और किसी खूंटे खंभे के साथ में उस रस्सी को जोड़ देते हैं, तो जो बंदर रहेगा अगर बंधा हुआ है तो वो खंभे के चारों तरफ ही घूमेगा। वो जो बंदर है वो बंधन में आ गया है, तो वो फिर यहां वहां ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खंबे से बांध दिया गया है। तो इसी प्रकार ये जो मन रूपी बंदर है, जब इसे ज्ञान के खंबे से, ज्ञान की रस्सी के साथ में बांध दिया जाता है, जब इसको लगाम लग जाती है, तो जब ये सदगुरु के ज्ञान में बन जाता है, इसे निराकार का ज्ञान हो जाता है, तो ये सही काम करता है। फिर ये सही दिशा में चलता है, संतों की सोच को पकड़ लेता है, संत मति को धारण कर लेता है। इसीलिए समझाया जाता है कि संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु का रख के दिल में एक एक का आधार धरो, और जतने सारे झूठे, झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना, गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का कर्ता धर्ता या मालिक कातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानव या खालिक कातार भी है। जो यह धन ले बड़े खजाने, वही बनता साहूकार अवतार, यह उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। तो संतों की संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि सत्संग की प्राप्ति सबसे बड़ा पुण्य का फल है, सत्संग उन्हीं को मिलता है जिन पर राम की कृपा हो जाती है, और फिर जब राम की कृपा हो जाती है तो सत्संग प्यारी लगती है। राम कृपा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। फिर और भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई के अंग, तुल न ताई सकल मिल जो सुख लो सत्संग। कि सुख केवल सत्संग में ही मिलता है, तो जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो, राम की शरण लेना पड़ेगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वो बैकुंठ में ना होए। तो सत्संग की महिमा के बारे में संतों ने अपने अपने अनुभव दिए, समझाए हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक पल का सत्संग भी हम कर लेते हैं तो हमारे करोड़ों अपराध निरंकार क्षमा कर देता है। तो संत समागम की महिमा, सत्संग की महिमा अपरंपार है।
सुद्धारा और लक्ष्मी पापी की भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये बहुत दुर्लभ घड़ियां होती हैं। अगर सत्संग मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। सत्संग कल्प वृक्ष है। सत्संग करने से मन तो साफ होता है, मन निर्मल पावन सुंदर हो जाता है, और जब मन निर्मल पावन सुंदर हो जाता है तो फिर इंसान का सारा जीवन ही सुंदर हो जाता है। एक बंदा अगर सत्संग में आ रहा रेगुलर, परमपिता परमात्मा की जानकारी उसे हो गई, तो फिर वो एक सच्चा इंसान बनता है। संत ही जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वही सच्चे इंसान होते हैं। तो सदगुरु जी हमें सत्संग करने की प्रेरणा देते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन करिए, तभी जाकर हम एक सही मायने में इंसान बन पाएंगे। सदगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता इंसान नहीं। जब तक गुरु के चरणों में नहीं आते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, सत्संग सेवा सिमरन नहीं करते हैं, तब तक हम एक सच्चे इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि इस परमपिता परमात्मा को जान लो, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जब इसको जान लोगे तो सब कुछ स्पष्ट क्लियर नजर आएगा, केवल यही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये अवस्था बनती है सत्संग करने से। सत्संग करने से ही मन स्ट्रांग होता है, मन निर्मल पावन पवित्र होता है। सत्संग मन का साबुन है। प्यारी प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।